नमस्कार। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। उनको हिंदुस्तान की भाषा का पता ही नहीं है, न इतिहास पता है, न भाषा का पता है। उनको तो चारों तरफ से आदमी उसके चमचे घेरे हुए हैं, वो लोगों के बीच कहाँ पहुँचेंगे। क्या नाम हो गया अंकल जी? भास्कर। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। क्या चल रहा है देश की राजनीति में? देश की राजनीति में क्या चल रहा है? जो राजनीति चलती है वो चल रहा है। राजनीति हो रही है? हाँ, सही दिशा में जा रही है। कुछ अभी गड़बड़ है मामला? गड़बड़ भी है, सही भी जा रहा है, दोनों है। हाँ, सही भी जा रहा है, गड़बड़ भी है। क्या लग रहा है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ सफल हो पाएगी क्या? अरे सफल तो दाढ़ी बढ़ा लिया उन्होंने मेरी तरह, तो वो तो सफल हो गई। हाँ, दाढ़ी बढ़ गई उनकी। प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? नमस्कार। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री? जिनको अपने बोलने का, देश की भाषा बोलने का ढंग नहीं आता है, वो देश क्या चलाएंगे? वो हिंदी नहीं बोल सकते। हाँ, बोल तो रहे, इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम भाषा पर अध्ययन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि बोली कैसी होनी चाहिए। उनको हिंदुस्तान की भाषा का पता ही नहीं है, न इतिहास पता है, न भाषा का पता है। इतिहास पता है, न भाषा का पता है। हाँ, वो कहते हैं पुजारी नहीं, ये तपस्वी चाहिए। पुजारी तपस्वी नहीं होता है, तप वो भी करता है। कहते हैं पुजारियों का देश नहीं है। हाँ, ये पुजारियों का ही देश है, ये पुजारियों का ही देश। हाँ जी। अच्छा, एक बात चलती है कि नफरत फैली है इस देश में। मोदी जी जब से सत्ता में आए ना, तभी से नफरत फैली है। जी नहीं, ये यहाँ देख लीजिए, पीछे मार्केट है, यहाँ सारे मुसलमान वो कारीगर हैं, सब हिंदू जाते हैं, बड़े प्यार से सब होते हैं। नफरत कहाँ है? वो उनके दिमाग में नफरत है, के दिमाग में नफरत है। जी, मोहब्बत की दुकान खोली है। और दुकान मोहब्बत की नहीं होती है, ये तो आँखों से बयां होती है। मोहब्बत तो आँखों से बयां होती है, ये दुकान नहीं होती इसकी, ये नहीं बिकती बाजार में। हाँ जी, कह रहे हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, जो आपस में भाईचारा खत्म हो चुका था उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उनको तो चारों तरफ से आदमी उसके चमचे घेरे हुए हैं, वो लोगों के बीच कहाँ पहुँचेंगे? वो तो आपसे बात किए, हमसे जैसे आप बात किए चले गए, आप चले जाइएगा, हम चले जाएंगे, बात खत्म। तो भारत जोड़ो यात्रा कोई सफल यात्रा नहीं बन पाएगी? भारत जुड़ा हुआ है, उनके जोड़ने से नहीं जुटता है। भारत का ठोस धरती है। हाँ, इसको कोई हिला नहीं सकता है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट ले से और यहाँ तमिलनाडु, इधर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से उधर गुजरात तक, ये सारा भीतर से जुड़ा हुआ है। इसको पहचानने वाला भी चाहिए। जी, इनके भाषा का अध्ययन कीजिए तो आपको पता लगेगा कैसे जुड़ा हुआ है। जी, उसी पर हम काम कर रहे हैं। जी, 2024 में लगता है मोदी जी आ रहे हैं? अब भविष्य की कौन गिनता है, 24 में कौन रहेगा, कौन जाएगा, भविष्य वक्ता हम नहीं है। भविष्य वक्ता नहीं है? जी नहीं, बाकी सब चल रहा है सही, बढ़िया, सही चल रहा है। मोदी जी अच्छे आदमी हैं और ये ऐसा प्रधानमंत्री भूत में तो नहीं मिला है, आगे शायद मिले तो मिले, आगे की बात मैं भविष्य नहीं कह सकता। नहीं तो मैं कहता भूतो न भविष्यति ये नरेंद्र मोदी। मेरा नाम अतुल है, अतुल नाम है। अतुल जी, किसकी सरकार चाहते हैं 2024? सरकार तो हम सर मोदी की चाहेंगे। क्यों चाहेंगे मोदी जी? मोदी के इसलिए चाहेंगे क्योंकि सर हम अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, सरकार बननी मोदी की है भाई, तो इसलिए मोदी को वोट दे दो। राहुल गांधी जी हैं, युवा हैं, कह रहे हैं युवा हैं सर, वो युवा लोगों को चाबी रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, पर युवा लोग आ नहीं रहे ना उनके सपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा कर, भारत जोड़ो यात्रा में भी सर ये है, बंदे जुड़ रहे हैं, देख भी रहे हैं बंदे, कुछ बोल रहे हैं कि बंदे पैसे लेके भी जुड़ रहे हैं, कुछ 500 रुपये चल रहा है, किसी को 300 रुपये दे रहे हैं, ऐसे भी कुछ बंदे लोग हैं जो उनके साथ में जुड़ रहे हैं। हाँ, तो वो यात्रा का महत्वपूर्ण देखते हैं अभी क्या होता है आगे जाके, वो तो 2024 में पता चलेगा कितना उस यात्रा का उन्हें फायदा मिला है, अभी तो हम बोल नहीं सकते। आप बताइए भैया, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार सर इनकी, बीजेपी की तो चाहते नहीं, क्योंकि रोजगार देने में सरकार रही नाकाम। ये तो कह रहे मोदी जी आने चाहिए, आप कह रहे बीजेपी नहीं चाहिए। आने नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हम सपोर्ट किसी और को भी कर दें तब भी सरकार ही नहीं की आनी है, क्योंकि ईवीएम इन्होंने हैक कर रखी है। ईवीएम हैक कर रखी है। हाँ जी बिल्कुल, ईवीएम हैक कर रखी है मोदी जी। भाई ऐसे मैं तो बोल नहीं सकता भाई, देखो यार करिए नहीं करिए, पर हमें इतना पता है 2024 में पता चलेगा हमें क्या, कौन सी पार्टी कौन सी कितनी टक्कर ले रही है, वो तो जब पता चलेगा भाई। अब राहुल गांधी का ही पता चलेगा भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ा है, वो तो 2024 में पता चलेगा भाई, अभी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते दोनों सरकारों को। आप बताइए भैया, किसकी सरकार 2024 में?
किसकी सरकार तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो यूथ है वो चेंज करेगी अपने हिसाब से, चेंज करेगी हैं। हमारा मुद्दा रिलीजन वगैरह नहीं है, हमारा मुद्दा है नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर फोकस करेंगे हम। यूथ का ये है, यूथ का ये मुद्दा है, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। पहली बात तो ये है, रिलीजन बताइए। जो बात चल रही है कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और मुद्दा नहीं उठ रहा, क्या सच बात है? कौन सी सरकार में? बीजेपी जब से है ये हिंदू मुस्लिम हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली जैसे आम आदमी पार्टी बहुत मिनिमम इस पे डिबेट करती है अपनी, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि स्कूल्स, एजुकेशन। आप देख सकते हैं दिल्ली में डेवलपमेंट कितनी, स्कूल्स की डेवलपमेंट है, बीजेपी का कुछ है नहीं। आती है और आपको सीधा टारगेट करती है रिलीजन, हिंदू मुस्लिम पे, इससे कुछ होना है नहीं। Yes. नहीं होने वाला, हिंदू मुस्लिम कर रही है, कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला, पूछ रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आपने बोला है। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, जो काम करेगा वो भाई। हाँ, जो काम करेगा काम करेगा उसको वोट। यस, आप बताइए भैया। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर। क्या बात होगी? मैं समय बताऊंगा, अभी कुछ समय बताएगा। हाँ, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा नाम महंत रामेश्वर दास, श्रीगंगानगर राजस्थान से। जी, राजस्थान से जी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा 2024? 2024 में मोदी जी। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी, मोदी जी ने देश हित में जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है, और 2024 में भारत की जनता उन्हीं को चाहेगी लाने के लिए। राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनका कोई प्रयास जो कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा? नहीं, ये पहली बात तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा है, तो भारत क्या टूटा हुआ है? क्या टूटा हुआ नहीं ना, भारत तो भारत ही है ना, तो क्या जोड़ रहे हैं वो? अगर पाकिस्तान को जोड़ते तब तो मानते कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा है नहीं, भारत तो पहले से अखंड भारत हम हैं और रहेंगे, इनके करने से भारत जोड़ो यात्रा, ये तो गलत बात है। गलत बात है, बिल्कुल गलत। अरे मोदी जी ने नफरत से तोड़ दिया है भारत। कहाँ तोड़ दिया? मुस्लिम करते हैं बस। नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा थोड़ी ना है, सबको आज़ादी है, कितना नहीं, जितने मुसलमान भी हैं सबको भी हर सुविधा, मुसलमान को जितना ज़्यादा मिले उतना हिंदू को नहीं मिल रहा होगा। अब समझिए, जितना मुसलमानों को मिल रहा है इस देश में उनके रहने से, उतना जो हिंदू हैं उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, आप बताइए। कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है देश में। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है, ठीक है? कहने वाले लोग देखिए, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इस संसार में अलग अलग, अब यहाँ 50 लोग हैं, 50ों के मत अलग होंगे, 50ों के विचार अलग होंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए कहने वाले कहते हैं और करने वाला करता है, जो करने वाला है वो कर रहा है, कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल कर रहा है, वो देश हित में कार्य कर रहा है। देश हित में मोदी जी कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देश राहुल गांधी जी कार्य नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा घूमने, कौन सा भारत टूटा हुआ है? पहली बात तो गलत बात है कि भारत जोड़ो यात्रा नाम ही क्यों रखा है, इससे क्या हो रहा है? इससे कोई फायदा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा से? क्या उनका खुद का पॉलिटिक्स अपना फायदा छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? उससे नफरत फैली है, मोहब्बत की दुकान मैंने खोली है। कहाँ नफरत फैली है? नफरत कहाँ फैली है आप ये बताइए ना। अभी हम आ रहे हैं तो एक मुसलमान भाई के साथ में हम टेम्पो में आ रहे हैं, कौन सा नफरत है हमारे उसके साथ? कोई नफरत नहीं है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, आप समझिए। क्या जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत करेगा वो गलत है, ठीक है ना? कोई भी हो, तो हिंदू हम भी हैं, हमारे समाज में भी कोई गलत करेगा तो भी वो गलत है, लेकिन अब मुसलमान भी गलत करेगा तो वो भी गलत है, तो उनको भी जो उनके धर्मगुरु या उनके लोग हैं उनको भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उनको रोकथाम उनको करना चाहते हैं 2024 में मोदी जी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से है, मोदी आना चाहिए। मोदी क्यों आने चाहिए? मोदी मोदी ने मोदी जी ने हमारे पूरे भारत को ऐसा कर दिया, इस टाइम मजबूत चारों तरफ से, चारों तरफ से मजबूत कर दिया मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, हर हर मोदी, मोदी हर हर मोदी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे आप? नहीं जी, वो बनने लायक है ही नहीं, बनने लायक ही नहीं। देश बर्बाद हो जाएगा, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा अगर राज्य वो बैठ गया राहुल गांधी तो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो? हाँ, इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? हाँ, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्लैट दिए हैं, सिलेंडर बांटे हैं उन्होंने। महंगाई भी तो कर दी मोदी जी। महंगाई नहीं है, कर महंगाई कुछ नहीं है, कोरोना को देखते हुए ना तो इतनी महंगाई होती क्या बताऊं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल में है महंगाई, मतलब नॉर्मल में है। हाँ बिल्कुल। तो
महंगाई नहीं है मोदी जी के राज जी, महंगाई कुछ नहीं, लोग तो परेशान है मोदी जी को। ऐसा है जिसको मतलब दिमाग कम है, जैसे हजार आदमी हर अलग अलग तरह की बातें हैं, वो ऐसे ही बातें करेंगे। जिसको जो समझदारी है वो ऐसे ही बोलेंगे, जिसको समझदारी है वो नहीं बोलेगा मोदी के बारे में। मोदी ने इतना बढ़िया काम कर रहा है ना, आज तक प्रधानमंत्री कोई आया ही नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया? नहीं आया जी बिल्कुल भी। अपनी सेना को मरवाया है कांग्रेस ने, फिर कहते हैं जी हम समाधान करेंगे देखेंगे। जब मोदी ने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर नहीं देते थे अपनी सेना को कांग्रेस वाले। मोदी ने बोल दिया एक गोली आती है तो 600 गोली मार के रुकना कम से कम बॉर्डर की तरफ, ऐसा बोला है मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्हें वो दे रखा करोड़ों रुपए का तो उन्होंने हथियार दे दिया, अब तक ये हथियार देते ही नहीं थे कांग्रेस वाले। हाँ मोदी जी को चाहते हैं 2024। हाँ मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही नेता चाहिए हमें, ऐसे ही चाहिए। हाँ राहुल गांधी जी जैसा नेता नहीं, कोई नहीं, नहीं, नहीं। राहुल गांधी जैसा नहीं चाहिए, वो होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा।